ये तीर की तस्वीर है, नक्सलियों का नया हथियार जो बन गया है। जी न्यूज पर आप इस तीर की तस्वीर को देख सकते हैं। इस तीर पर IED लगा होता है, आगे बल्ब नुमा ये तीर होता है। सुकमा हमले की जगह से कई तीर बरामद हुए हैं। इस पर एल्यूमिनियम की एक परत चढ़ी हुई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि हमले में बड़ी मात्रा में इन तीरों का इस्तेमाल किया गया था। सुकमा के बुरकापाल में जहां नक्सली हमला हुआ, वहां जी न्यूज की टीम पहुंच गई है, यानी ग्राउंड जीरो पर, हमले की जगह पर। हमले के वो तमाम सबूत नजर आ रहे हैं, निशान दिख रहे हैं। आप पेड़ पर गोलियों के निशान देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि महिला नक्सली भी हमले में शामिल थी और उनकी तादाद कुछ 70% थी। लोगों को ढाल बनाकर, यानी गांव वालों को ढाल बनाकर हमला किया गया। हमले की जगह से जवानों के जूते, कपड़े, पानी की बोतलें और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आज सुबह CRPF के DIG ने हमले की जगह जाकर जायजा लिया। हर जगह खून के धब्बे थे, जवानों का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। नक्सली हमले के मास्टरमाइंड की तस्वीर भी आपके लिए। ये नक्सली कमांडर हिडमा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि कुख्यात नक्सली हिडाम जो है वो हमले को अंजाम देने में सबसे आगे था। कई दिनों से इस हमले की साजिश रची जा रही थी। पीपल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी का मुखिया है। नक्सली हमले में CRPF के 25 जवान शहीद हो गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रायपुर की है। रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए। अमेरिका के मैरीलैंड में एक 5 मंजिला बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। आप देख सकते हैं बिल्डिंग की छत पर जबरदस्त आग का धुआं उठ रहा है। ये एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं। आग में कोई हताहत नहीं हुआ। सीरिया के होम्स और हामा प्रांत में सेना ने हवाई हमले किए हैं। हमले में कई लोगों की मौत हो गई है, बड़ी संख्या में लोग घायल है। सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो अपलोड किया गया है। सीरिया की सेना और सहयोगी फोर्सेस ने विद्रोहियों के खिलाफ ये हवाई हमला किया। अमेरिका के हैरिसन में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। सड़क पर दौड़ती वैन से अचानक 4 साल की बच्ची गिर गई। अचानक दरवाजा खुला, बच्ची गिर गई। बच्ची सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई। बच्ची का जबड़ा टूट गया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वैन में लगे कैमरे में हादसे की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। आर्थिक संकट के बीच वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आंसू बॉम्ब फेंके हैं, गाड़ियों में आग लगा दी। वेनेजुएला में 1 महीने से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो चुकी है। विपक्ष देश की खराब हालत के लिए राष्ट्रपति निकोलस को जिम्मेदार बता रहे हैं। चीन में एक भयंकर हादसा हो गया है। कार तालाब में जा गिरी। कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा चीन के अनहुई प्रांत में हुआ है। आप देखिए कार को तालाब से बाहर निकाला जा रहा है। कार में 8 लोग सवार थे। एक व्यक्ति बाल बाल बच गया। कार पूरी तरह पानी में डूबी थी। हादसा कैसे हुआ ये अभी तक साफ नहीं है। कानपुर में मुआवजे की मांग को लेकर कुछ लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों के बीच किसी बात पर मारपीट शुरू हो गई। झगड़ा बढ़ने से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और सबको वहां से हटा दिया। ये लोग सड़क हादसे में मारे गए अपने परिवार वालों की मौत पर मुआवजे की मांग कर रहे थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर सोने के बिस्किट्स की तस्वीर दिख रही है। ये सोना असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। रेलवे पुलिस ने 3 किलो सोने के बिस्किट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 14 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। कोलकाता में फाइबर ऑप्टिक केबल में एक गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग की चपेट में पूरा गोदाम आ गया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंचे 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलीपींस के मुंतिनलुपा शहर में एक पावर ग्रिड में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पावर सप्लाई करने वाला खंभा ही पिघल गया और नीचे गिर गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिंगापुर में एक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। आप देखिए कैसे सड़क पर एक ट्रक मुड़ रहा है, टर्न ले रहा है। अचानक सामने से आ रही कार ट्रक से टकरा गई। कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ। राहत की बात यह है कि हादसे में कार चला रहा युवक बाल बाल बच गया।
यूपी के गोरखपुर में दबंगों ने एक बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। दरअसल पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर मृतक और आरोपी पक्ष के बीच पंचायत हो रही थी। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने पंचायत में दबंगों का साथ दिया। विरोध करने पर मृतक और उसके परिवार को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। बाद में अस्पताल में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। यूपी के बाराबंकी में तस्वीरें आपके सामने है। यहाँ रामस जीवन सावित्री देवी महाविद्यालय में बीए और बीएससी की परीक्षा चल रही है। स्कूल छोटा है और 420 छात्र परीक्षा देने आए। ऐसे में बद इंतजामी इतनी कि टेंट लगाकर बच्चों ने परीक्षा दी। जगह नहीं थी तो स्टूडेंट साथ बैठकर ही परीक्षा देने लगे। यूपी में आगरा में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के घर के बाहर फायरिंग कर दी। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। एक शख्स रात के अंधेरे में आता है, घर के बाहर फायरिंग करता है और फरार हो जाता है। लड़की ने कहा कि आरोपी उसे किडनैप करने की धमकी भी देता है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो कार में आग लग गई। स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों में से 2 की मौत हो गई, एक घायल है। स्कॉर्पियो कार के सड़क पर जलने की तस्वीरें ये आपके सामने। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में वन विभाग की टीम ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर पर छापा मारा। छापे के दौरान काफी तादाद में जंगली जानवरों की खाल और हड्डियां मिली है। इसके अलावा आरोपी के घर से काफी तादाद में हथियार भी मिले हैं। वन विभाग को शक है कि आरोपी पुलिसकर्मी एलएस ठाकुर शिकारियों का गैंग चलाता है, जो अवैध तरीके से जंगली जानवरों का शिकार करके उसकी तस्करी करते हैं।